हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको यमुनानगर से बता दें, 17 साल की एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। एक नाबालिग युवती के अपहरण का मामला यमुनानगर से सामने आए हैं। कुछ युवकों पर किडनैप करने के आरोप लगे हैं। युवती के पिता की कार पर हमला किया गया, पिता पर जानलेवा हमला किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। तो लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। किडनैपिंग की वारदात के बाद लोगों में खौफ नजर आ रहा है। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो 17 साल की एक छात्रा के अपहरण का मामला यमुनानगर से मामला सामने आए हैं। पिता पर जानलेवा हमला किए जाने के भी आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दो लड़कों को जो यहाँ शॉप पे काम करते हैं उनको क्या कोई नाम शिनाख्त? कोई नाम अभी नहीं पता है, लेके गए। सैलून से बरामद हुई है तलवारें भी सर? हाँ सैलून। तो सर कुछ मामले में जानकारी सुनने में आया कि एक लड़की जो है उसको 17 साल की लड़की है ग्रीमा जी, उसको कोई अली नाम का लड़का बता रहे हैं लेके गया स्कॉर्पियो में। अभी नंबर पूरा कन्फर्म हुआ नहीं, देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। तो यहाँ पर दिन दहाड़े सर पत्थर चलने लगे, तलवारें चलने लगी, एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है तलवार से, तस्दीक कर रहे हैं उस। तो पूरा मामला इसी लड़की से जुड़ा है? मामला लड़की से जुड़ा हुआ। हरीश कोहली हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। हरीश, युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी मामले से जुड़ी अब तक? जी देखिए, ये मामला एक 17 वर्षीय युवती का है जो एक निजी संस्था शैक्षणिक संस्थान में पढ़ती थी। जब वहाँ शैक्षणिक संस्थान से जो है उसके घर के ऊपर फोन जाता है कि लड़की आज स्कूल में नहीं आई है, तो स्कूल के जो लड़की के परिजन है उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो ढूंढते ढूंढते हुए वहाँ पर थापर ग्राउंड में पहुंचे हैं और वहाँ पर एक स्कॉर्पियो खड़ी अपनी लड़की को देखते हैं। लड़की के जो है के साथ जो लड़के थे वहाँ पर खड़े हुए, उनके जो है लड़की के माता पिता। चलिए SHO जगदीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश चंद्र जी, 17 साल की युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, क्या कुछ पुलिस की जांच अब तक? नहीं नहीं ऐसा मैम, ये लड़की सवेरे स्कूल में छोड़ के गई थी इसकी माता जी। लड़की का नाम है करीमा, स्कूल में छोड़ गई थी, स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ती है। ये लड़की पहले से उन लड़कों के साथ जानकार थी और उनके साथ गई थी और लड़की हमारे पास है, मिल चुकी है हमें जी, और इन्वेस्टिगेशन जांच जारी है। आप ये कह रहे हैं कि अपहरण नहीं किया गया था, लड़कों के साथ गई थी और पहले से उनको जानती है, अब वापस आ चुकी है, पहले से जानती है, अपनी मर्जी से गई थी आप ये कह रहे हैं? अपनी मर्जी से। लड़की की ओर से कोई बयान दिया गया, खुद से बताया गया? लड़की से पूछताछ जा रही है और उसने यही कहा कि मैं अपनी मर्जी से गई। तो ये अपहरण का मामला नहीं है ये कहना आप? नहीं, पिता पर जो हमला किया गया, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पिता पर जो हमला किया गया, तो क्या लड़की अपनी मर्जी से गई? लड़की के पिता पर हमला कैसे हुआ फिर, उस पर क्या कहेंगे? वो भी जांच का मामला है, वो जांच कर रहे हैं। युवकों को हिरासत में लिया गया? उसी को कुछ टीमें भेज रखी है, उन युवकों को भी हिरासत में ले लें। तो आपका ये कहना है SHO साहब की लड़की अपनी मर्जी से, सुनिए तो सवाल तो सुनिए, जांच हो रही है ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। लड़की अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी, पहले से जानती थी, लड़की वापस आ चुकी है, लेकिन जिस पर लड़की के पिता जिन युवकों पर आरोप लगा रहे हैं उनको आप लोगों ने हिरासत में नहीं लिया है? मैम, हमने जो लड़के थे दो लड़कों को अभी पूछताछ के लिए काबू किया है और बाकियों के लिए टीमें भेजी हुई है और लड़की से पूछताछ जा रही है। लड़की के पिता का क्या कहना है अभी? लड़की के पिता ने अभी कंप्लेंट दी है, उस पर भी जांच जा रही है। नहीं, लड़की के वापस आने के बाद भी शिकायत दी गई है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहले दी थी, वो अभी हॉस्पिटल में है, उनको चोट लगी थी आंख पर, उनकी मेडिकल जा रही है। तो ये किडनैपिंग का मामला है या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जानलेवा हमला किए जाने का मामला तो है। सुनो, हमारे पास तो किडनैपिंग का ही मामला आया था। हाँ। लेकिन इसमें आगे जांच जा रही है, जैसे होगा वैसे कार्रवाई कर देंगे। लड़की बरामद हो चुकी है। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। SHO यमुनानगर जानकारी दे रहे थे कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं था, लेकिन इससे मामले की गंभीरता कम नहीं हो जाती, क्योंकि लड़की के पिता पर तो हमला किया गया, के गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया, लड़की के पिता ने शिकायत दी है। अब पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों को लड़की पहले से जानती थी, उनके साथ अपनी मर्जी से गई थी, वापस भी लौट आई है। दो लड़कों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ होगी। हरीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर गए। हरीश, ये पुलिसिया जांच से जुड़ी, पुलिस की जांच से जुड़ी अपडेट की लड़की वापस आ चुकी है और किडनैपिंग का मामला नहीं है, पुलिस इनकार कर रही है।
देखिए फिलहाल किडनैपिंग का मामला जिस प्रकार पुलिस नकार रही है, लेकिन जिस प्रकार इनके पास सूचना मिली थी कि लड़की को एक अपहरण करके ले जाया गया है और इस तरह संगीन विषय होने के उपरांत भी जो है देखने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस वहां पर उसके हेड कांस्टेबल तक के जो अधिकारी है वहां पर पहुंचे हैं और यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थानीय पुलिस स्टेशन है जहां पर सचिव साहब अभी बयान दे रहे थे। उन्होंने वहां से यहां पर मौका वारदात के ऊपर आने की भी जानकारी उठाई और जिस प्रकार जो ये बाइट भी आप देख रहे हैं कि हमें एक हेड कांस्टेबल पुलिस अधिकारी के द्वारा दी जा रही है। जी चलो बहुत शुक्रिया हरीश जी, पूरी जानकारी आपने दी। अभी देखिए जांच का विषय है और चूंकि पुलिस पर तो सवाल उठ रहे हैं इस मामले में, इसमें कोई दोराय नहीं। अब पुलिस हालांकि अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास ये कहकर कर रही है कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं था, ये भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन लड़की के पिता पर हमला किया गया है, तस्वीरें इस बात को बयां कर रही, लड़की के पिता की ओर से भी शिकायत दी गई है, गाड़ी पर भी हमला बोला गया है। तो जांच का विषय है, जांच जारी है। अपडेट ये है कि लड़की बरामद कर ली गई है या फिर लड़की वापस आ गई है, जो कि एसएचओ की ओर से कहा गया। ये बड़ी खबर यमुनानगर से आपको बताएंगे।